हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आप एक प्रोफेशनल वीडियो दैट इज रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग, मतलब अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहते हो तो इसमें जो है A to Z प्रोसेस, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड अंटिल वी अपलोड द वीडियो। सो जो भी स्टेप्स इसमें इंक्लूड होंगे उन सबको मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और वो भी बिना एक रुपया खर्च किए। मतलब आप फ्री में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और फ्री वीडियो एडिटर यूज़ करके उसको जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसमें वो कर सकते हैं, और मैं फ्री में एक ऑडियो एडिटर भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आप अपना ऑडियो प्रोसेस करके बहुत ही बेहतर, मतलब फिल्मी जैसा बना सकते हैं। तो जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सभी पेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, लाइक कॉम्प्टेशिया एंड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियोज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्टेशिया हो गया वो जो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, उसके बदले में हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि फ्री है, तो उसके लिए वो लोग पे करते हैं, हम पे नहीं करते, और सेम फंक्शनैलिटी विद सेम ऑप्शंस हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ऑडियो को एडिट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि फ्री है, और अदर यूट्यूबर जो है उसको पेड सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरे एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे एडिट करना है और कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखते रहिए। तो मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशबैक एक्सप्रेस रिकॉर्डर जो आपको दिख रहा है, ये मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी को आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कुछ अलग चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे उसी चीज़ को आपको मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे उसका प्लेयर भी दिया गया है। बट गाइज ये प्लेयर बहुत ही ख़राब है, और सिर्फ हम रिकॉर्डर यूज़ करेंगे, प्लेयर में कुछ एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस एडिटिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ओपन शॉट वीडियो एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, और मुझे कुछ दिन के लिए मैंने इसको यूज़ किया ओपन शॉट वीडियो एडिटर, बट अब बहुत ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसमें, और जो इजीली हम उसमें ब्लर या फिर कट या फिर ट्रिम इन चीज़ों को इजीली नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊटपटांग हरकतें करनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया है जो कि शॉर्टकट वीडियो एडिटर है। तो मैं अगर कंपेयर करूँ ओपन शॉट और शॉर्टकट को, तो शॉर्टकट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी इंटरफेस है यूज़र के लिए, और जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उनको डायरेक्टली दिया गया है, तो आप डायरेक्टली इसमें वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मुझे लगता है आपको शॉर्टकट ही यूज़ करना चाहिए, ना कि ओपन शॉट। तो ये तो हो गई बात कि कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो ऑडियो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। ठीक है, तो ऑडियो को एडिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं अभी ऑडियो आपको सुना रहा हूँ ये एडिट की हुई है। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, यानी कि आप अगर विश्वास नहीं है आपको कि ऑडियो से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो मेरे चैनल में जाके आप प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। तो उसमें मैंने कोई भी ऑडियो एडिटिंग नहीं की है, उसमें आप बैकग्राउंड न्यूज़ नॉइज़ जितना आ रहा है आप सुन सकते हैं, तो आपको कुछ 5 मिनट के लिए वीडियो देख पाएंगे, वरना तो वो थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा नॉइज़ है उसमें, तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं फ़िलहाल बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने सभी ऑडियो को प्रोसेस करके डाला है, इसलिए आप क्लियरली सुन रहे हैं। तो ऑडियो प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90% लोग इसी में धोखा खा जाते हैं कि ऑडियो को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वैसे नहीं छोड़ना। यूट्यूब के अल्गोरिदम्स ऑडियो को बहुत सीरियसली लेते हैं, आपको प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग करनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी
जो वीडियो ऑडियो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑडेसिटी, और मैं सोचता हूँ कि ये बेस्ट है। कोई भी बिगनर हो या प्रो हो, आपको ऑडेसिटी जो काम की चीज़ है बहुत ही अच्छी है। तो आपको सारी फंक्शनलिटीज़ उसमें मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप नहीं जानते कि इन सबको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है, तो गाइज मैंने चैनल पे सभी के लिए वीडियोस डाल रखी है। तो शॉर्टकट को, ओपन शॉर्ट को, और ऑडेसिटी को, फ्लैशबैक को, सबको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बेसिक फंक्शनलिटीज़ वर्क होती है और क्या क्या इंटरफेस होता है, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। आप जस्ट प्लेलिस्ट में या फिर प्रीवियस वीडियो चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी शॉर्टकट ओपन कर देता हूँ। तो आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियसली कि मैं पूरा ए टू जेड एक वीडियो प्रोफेशनली एडिट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने इसका इंटरफेस अभी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, दैट्स है इसका नाम दिया गया है, और यहाँ एक खाली है, मतलब ये सब डिलीट कर चुका हूँ मैं, और आपको भी ऐसे ही आएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या करना है, ओपन फाइल पे जाना है, यानी कि मैं एक वीडियो एडिटिंग फाइल ओपन करना चाहता हूँ। तो हाउ टू डाउनलोड ट्रैक्स फ्रॉम साउंड क्लाउड, तो इस वीडियो को मैं एडिट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट कर दिया और ओपन कर दिया। ठीक है, हे हे व्हाट्स अप व्हाट्स अप गाइस, गाइस, अभी ये वीडियो आ चुकी है प्रीव्यू एरिया में। तो इसको टाइमलाइन पे लाने के लिए मैं जस्ट क्लिक करूँगा उस पर, और उसको ड्रैग करते हुए इस टाइमलाइन एरिया पे छोड़ दूंगा। तो ये मेरी टाइमलाइन एरिया पे वीडियो आ चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक का इश्यू हो सकता है, बट जब आप वीडियो रेंडर करोगे तो उसमें कोई भी इशू आपको नहीं दिखाई देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, और यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ हे व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम देखने वाले थोड़ा सा हैं सुन लीजिए आप। ये जो आप फ्री म्यूजिक का, तो यानी कि मैं इस वक्त तक कुछ बोल नहीं पाया और इसको मैंने ट्रिम कर रहा है। तो इस पोर्शन को ट्रिम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से बोलने को नहीं आया इस पोर्शन में, और मैंने वापस से यहाँ से इंट्रो स्टार्ट किया था। मतलब यहाँ पे आप ये जो वेव है ये नीचे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, ये जो है ये नॉइस है, इसका जस्ट नॉइस ही है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो इससे मेरी वीडियो अच्छी तरह से स्टार्ट हो रही है, तो इस पार्ट को मैंने डिलीट कर देना है। तो कैसे उसको डिलीट करना है, ये जो है ये स्प्लिट वाला ऑप्शन है, ये स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ से ये वीडियो स्प्लिट हो जाएगी, और इस चीज़ को मैंने हटाना है। तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपकी कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कर दो, तो वो पोर्शन डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगेन इस पर क्लिक कर दीजिए, जो कि आपका वीडियो ओरिजिनल है कंटेंट, तो इसको लेफ्ट में ड्रैग करके ओरिजिनल पोजीशन पे ला दीजिए। तो मैं कर्सर को पहले इनिशियल पोजीशन पे ले जाता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो अभी मैं प्ले करके देख हे रहा व्हाट्स अप हूँ। गाइस, सो वेलकम बैक। एंड तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही है। ठीक है, तो उस नॉइज़ को मैंने रिमूव करना है, क्योंकि वो जो नॉइस है यूज़र पे बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस जाता है, कि मतलब यूज़र यार सुन नहीं पाता, मतलब प्लीजेंट वाला फील नहीं आता उसमें। तो उस चीज़ को हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इसकी ऑडियो प्रोसेसिंग करने के लिए इससे मुझे ऑडियो सेपरेट करना चाहिए। तो ओपन शॉट में ये ऑप्शन नहीं है कि कैसे मैं ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन किस्मत से इसमें है। तो यहाँ पे जाना है और एक्सपोर्ट वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ऑडियो उसमें MP3 है, तो यहाँ पे MP3 सेलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसको नेम पूछ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ अनक्लियर ऑडियो। ठीक है, तो अनक्लियर ऑडियो .MP3 लिखना मत भूलना। ठीक है, तो .MP3 मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे अभी इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 2%, 6%, 7% ऐसे हो रहा है। तो अभी जब तक ये 100% होगा हम जस्ट वेट करेंगे। 39 सेकेंड्स उसका टाइमर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कुछ ऐसा होगा गाइज, मैं यहाँ से ऑडियो को निकालूंगा, और वो जो मैंने मेरे फोल्डर पे सेव किया है तो उससे मैं ऑडियो सिटी में ओपन कर लूँगा। तो वहाँ पे मैं जो भी प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ इस वीडियो ऑडियो के बारे में वो सब करूँगा, और वापस से
उस ट्रैक को लेकर आऊँगा और इसके नीचे लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस ट्रैक को हटा दूंगा और ऑडियो जो होगा इस ट्रैक यानी कि सेपरेट ट्रैक में होगा, और जो वीडियो होगा वो ऊपर वाला चलेगा, मतलब ये नॉइसी वाला कंपोनेंट मैं परमानेंटली निकाल दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं यहाँ पे। हे व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक। एंड आज हम देखेंगे हे व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक। एंड आज हम देख ऑलराइट गाइस, तो मेरा ये जो एक्सपोर्टिंग ऑफ वीडियो था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं चला जाऊंगा मेरी जो फोल्डर थी उसमें, यानी कि यहाँ पे मैं उसको रखना चाहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनक्लियर ऑडियो जो है 16 MB का MP3 फॉर्मेट में आ चुका है। चलो ठीक है, अच्छी बात, मेरी वीडियो से ऑडियो सेपरेट हो चुकी है। तो मैं अब इसे एडिट करना चाहता हूँ एक ऑडियो सॉफ्टवेयर जो जो कि ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसका नाम है ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ उसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ऑडेसिटी का डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जाइए फाइल पे और क्लिक कीजिए इंपोर्ट पे और इसे टेक ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ जो ऑडियो आपकी पड़ी हुई है उस पे क्लिक कर दो और उसको ओपन कर दो। तो ये जो ऑडियो है अभी फिलहाल ऑडेसिटी में इम्पोर्ट हो रही है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं 2-3 सेकेंड के लिए। ओके, तो अभी मेरी ऑडियो आ चुकी है। तो ये जो है सिनारियो आपके आगे आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ ये आपको क्विकली बता देता हूँ। पहला, मैं इसमें जो बैकग्राउंड नॉइज़ है यानी कि मेरे कंप्यूटर का फैन का जो नॉइज़ होता है उसको मैं पहले रिमूव करूँगा। उसके बाद मैं जब सांस लेता हूँ तब थोड़ा सा हिचकी आती है, तो उसको मैंने रिमूव करना है। और मैं इसमें ये जो इक्वलाइजेशन है उस एफर्ट डालूंगा कि सारे मैंने जो मैं थोड़ा ऊपर नीचे बोलता हूँ वो सब थोड़ा सा इक्वल हो जाए। और लास्ट वाली बात, फेड इन और फेड आउट इफेक्ट डालने वाला हूँ, और मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा कि फेड इन और फेड आउट इफेक्ट डालना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी चीज़ें के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नॉइज़ कहाँ पे है। तो उसके लिए आपको कोई भी ओपन जगह देखनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कोई भी ओपन जगह दिख नहीं रही है, मतलब ऐसी लाइन वाली जगह जहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसके लिए हमेशा हम पहले जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो थोड़ा पहले स्पेस रखा कीजिए, जिससे कि आप बाद में वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहला जो पोर्शन है उसको सेलेक्ट करूँगा और उसको मैं जूम करने वाला हूँ। तो जूम इन करने के लिए Ctrl+1 ये जो है ऑप्शन यूज़ करना है। तो इस पोर्शन को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पे दबा दीजिए Ctrl+1। तो Ctrl+1 एक बार दबाया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी और छठी बार, ठीक है। तो
तो मैंने 6 बार Ctrl 1 दबाया, और जूम आउट के लिए क्या ऑप्शन है, जूम आउट के लिए Ctrl 3 है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सुनाता हूँ ये नॉइज़ कैसे आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये नॉइज़ है मेरा। तो इस पर मैंने पहले क्लिक करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा, और ये जो है नॉइज़ है मेरा। ठीक है, तो मैं जाऊँगा इफेक्ट पे और नॉइज़ रिडक्शन पे, मतलब गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे मुझे पहले क्लिक करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि ऑडेसिटी को समझ में तो आना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है इस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप से। तो इस चीज़ को ही उन्होंने लिखा है, सेलेक्ट अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ जस्ट नॉइज सो ऑडेसिटी नोज व्हाट टू फिल्टर आउट एंड देन क्लिक ऑन द गेट नॉइज़ प्रोफाइल। तो आपको सिर्फ ये जो नॉइज़ है इसी पे क्लिक करना है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करते हो जहाँ पे आपने कुछ बोला है, तो वो भी फ्रीक्वेंसी उसमें से रिमूव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है गाइस, ये जो नॉइज़ है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होगी। तो जहाँ पे भी ये यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे भी है, इसमें एम्बेड हो चुकी है, तो उसको ये निकाल देगा। इसलिए उसका नॉइज़ प्रोफाइल जानना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब दुश्मन को हराने से पहले दुश्मन को जानना ज़रूरी है। इस तरह नॉइज़ को हटाने से पहले नॉइज़ को जानना ज़रूरी है। तो गेट नॉइज़ प्रोफाइल इसी का काम करता है, नॉइज़ को जान लेता है। तो गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करना है और पूरी ऑडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, Ctrl A दबाना है। ये सब को तो आप इसको तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो Ctrl A दबाने के बाद इफेक्ट में जाना है, फिर से नॉइज़ रिडक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको दबाना है ओके। कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, सिर्फ ओके दबा दीजिए, और ये जो वेव फॉर्म है जब ये एंड होगा तो ये वेव फॉर्म थिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, मतलब 10 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पे वेट करते हैं, और आप इसको ऑब्जर्व करना यार। देखो ये जो है थिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थिन हो चुका है, जस्ट प्ले करके देख लो। ठीक है, थोड़ा सा और नॉइज़ आ रहा है, तो इसी स्टेप को हमें फिर से दोहराना है। तो नॉइज़ को सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गया, नॉइज़ रिडक्शन, गेट नॉइज़ प्रोफाइल, फिर मैं आया मेरे कीबोर्ड पे और प्रेस कर दिया Ctrl A, देन मैं गया इफेक्ट पे, नॉइज़ रिडक्शन पे, और ए मैं रिड्यूस कर रहा नॉइज़। तो मैं इसको भी कंप्लीट होने देता हूँ। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है ये कम्प्लीटली हाथ से नॉइज़ रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए भी बस एक बार भी आप करते हो तो काफ़ी है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ इसमें से रिमूव करना है, मतलब बहुत ही क्लियर बनाना है मुझे, तो आप दूसरी बार भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और थोड़ा थिन हो गया है, और यहाँ पर कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है। तो ये हो गया नॉइज़ रिमूवल, मतलब बैकग्राउंड फ़ैन का जो नॉइज़ है या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा शोर आता है तो उसको हम रिमूव कर चुके हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सअप गाइस, तो ये जो यहाँ पे साउंड दिख रहा है आपको, ए वाला पोर्शन, तो इसको मैं जस्ट जूम इन करता हूँ। ठीक है, तो जूम इन किया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरी थोड़ा कुछ बोलने के बाद मैं थोड़ी सी सांस लेता हूँ, उसी सांस का ये इफेक्ट है। तो ये सांस ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, मुझे इसको भी कम करना है। तो इस पोर्शन को आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये नॉर्मली सबके साथ होता है। तो इफेक्ट में जाइए, नॉइज़ रिडक्शन, गेट नॉइज़ प्रोफाइल, और फिर आपको जस्ट सेम स्टेप्स करनी है, Ctrl A, देन इफेक्ट में जाइए, नॉइज़ रिडक्शन, और फिर से ओके दबा दीजिए। ठीक है, तो आप बने रहिए यार वीडियो में, कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली बीच में क्या हुआ और कैसे ऑडियो एकदम से क्लियर हो गई। मतलब आप नहीं कर पाओगे, मैं कर चुका होगा, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जिस सिर्फ 10 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट हो सकते हैं इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नॉइज़ था, मतलब ये जो सांप की तरह वेवफॉर्म था यहाँ पे, वो चला गया है, क्योंकि मैंने उसको फिल्टर आउट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी अभी सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं फिर से इसको जूम आउट करता हूँ, Ctrl 3 दबा दूंगा, तो ये जूम आउट हो चुका है। तो अभी आप पूरे ऑडियो को आज हम देखेंगे
और फ्री क्लाउड दैट इज साउंड क्लाउड से हम कैसे अपना ये जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है, तो ये तो बात हो गई कैसे आपको नॉइज को रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड नॉइज मैंने रिमूव कर दिया और मेरी सांस की जो नॉइज आती थी उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी में कुछ आ रहा है, मतलब आप अगर किसी रूम में बैठे हो और बाहर से कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपके ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे गाड़ी गई है तो इस पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है, फिर से इफेक्ट में जाना है, नॉइज रिडक्शन में जाना है, गेट नॉइज प्रोफाइल, और फिर से वो ओके वाला स्टेप कर देना है, ठीक है। तो उससे वो जो गाड़ी की जो नॉइज होगी वो रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही आप कोई भी नॉइज़ हो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉइज़ के बारे में। तो अभी चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको ये जो मेरा आवाज़ है उसको इक्वलाइज कैसे करते हैं। तो आपको फिर से कंट्रोल ए दबाना है, पूरी ऑडियो को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जाना है इफेक्ट में, फिर नॉर्मलाइज पे जाना है और इसको 1 dB पे रखिए और ओके दबा दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जो पीक्स है मेरे ऑडियो में वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और जो छोटे वाले पीक्स होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा वेवफॉर्म थोड़ा सा अंदर से बढ़ चुका है, यानी कि ये एरिया बढ़ गया है। तो इससे आवाज एक ही तरफ में, मतलब एक ही ट्यून में आएगी। तो ये भी जरूरी है, आपको एक बार एडजस्ट कर दीजिए। फिर क्या करना है गाइस, अभी फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट मैं बताता हूँ। और फेड इन फेड आउट करना क्यों जरूरी है ये भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फेड इन और फेड आउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले ही अगर गला फाड़ के चिल्लाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग में ही, तो व्यूअर मेरा भाग जाएगा क्योंकि उसको उतना नॉइज नहीं सुनना है, ठीक है। तो मैंने शुरू में थोड़ा हल्का सा बोलना है और जाते जाते मुझे अपनी आवाज़ बढ़ानी है। तो ये मैं मैनुअली नहीं कर सकता, तो हम एडिटर में करके देखेंगे, ठीक है। तो फेड इन मतलब यूज़र के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस। तो अब जस्ट पहला पोर्शन ये जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अरे यार, ठीक है, ओके, इस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इफेक्ट पे गया और यहाँ पे फेड इन है उस पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये वेवफॉर्म बहुत छोटा हो गया और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है अनटिल दिस वन। और ये तो है फेड इन, मतलब यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे ऑडियो मेरा कम सुनाई देगा और जाते जाते बढ़ जाएगा। और मैं फेड आउट इफेक्ट जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो के एंड में आ जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है यहीं पे एंड है इसका, तो ये जो है इसका एंड है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे गया इफेक्ट में और फेड आउट, मतलब मेरी आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे कि हिंदी गानों में होता है। तो हीरो हीरोइन की आवाज़ थोड़ी सी करके कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हो गए फेड इन और फेड आउट के इफेक्ट्स। तो आप अगर कोई पोर्शन डिलीट करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको आप सेलेक्ट कर दिए और सिंपली अपने कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस कर दीजिए। अगर आपको यहाँ से और कुछ डिलीट करना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे इसको ऑडियो में सिंक करना है, ठीक है, वीडियो में सिंक करना है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीट करता हूँ तो वो मेरे ऑडियो में, मतलब वीडियो में जब मैं सिंक्रोनाइज़ करता हूँ तो ऑडियो वीडियो से छोटी पड़ जाएगी। तो आपको डिलीट कुछ नहीं करना है अगर आप सिंक्रोनाइजेशन चाहते हो तो। तो ठीक है, ये सब एडिटिंग आपने कर ली, मतलब अब आपका प्रोडक्ट रेडी है। इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो आप जाइए फाइल पे और इसको एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए। ये जो अनक्लियर ऑडियो थी उसको मैं अभी बता देता हूँ क्लियर ऑडियो, ठीक है। तो मैं क्लियर ऑडियो इस पे लिख रहा हूँ और ये कहाँ पे सेव हो रहा है ऑडियोज़ में, ठीक है, तो रहने देता हूँ वहीं पे मैं। और यहाँ पे ओके कर दीजिए और आपकी ऑडियो एक्सपोर्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपने ऑडियो एडिट कर ली ना, मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ उसको और वापस से आता हूँ अपनी शॉर्टकट वीडियो एडिटर में। मैंने ऑडियो निकाल लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, ठीक है। तो अगर
मैं उस ऑडियो को इस वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये जो नॉइसी ऑडियो है इसको मैं नहीं सुनाना चाहता, ये जो मैंने क्लियर और क्लीन ऑडियो यहाँ पे अभी एक्सट्रैक्ट किए उसको मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? तो इससे यहाँ पे एक ऑडियो ट्रैक ऐड हो जाएगी और आपको फिर से जाना है ओपन फाइल पे और उसके बाद ऑडियोज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑडेसिटी में मैंने क्लियर ऑडियो एक्सपोर्ट की थी यहाँ पे आ चुकी है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, देन ओपन करना है। यहाँ पे मेरी वो क्लियर ऑडियो आ चुकी है, तो इसको मैंने राइट लेफ्ट क्लिक करना है, करते हुए यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऑडियो आ चुकी है, मतलब अभी मैंने प्ले किया तो आप देख सकते हैं। और व्हाट्सअप गाइस, सारा नॉइज अभी भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि गाइस प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वेवफॉर्म आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये भी प्ले हो रहा है और ये भी प्ले हो रहा है, मतलब यहाँ से क्लियर ऑडियो प्ले होगा, यहाँ पे नॉइज ऐड हो जाएगा। बट ये तो प्रॉब्लम हो गई, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता सिर्फ यही ऑडियो सुनाई दे और ये वीडियो दिखाई दे और इस ऑडियो को मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो एग्जैक्टली आपको वही चीज़ करनी है, ये जो हाइड वाला बटन है यहाँ पे, मतलब म्यूट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप प्ले करते हैं अभी तो देख सकते हैं और ये जो ऑडियो है इसमें वेलकम बैक ऑडियो यूज होगी, आज हम देखेंगे यूज होगी, ठीक है? फ्री तो ऊपर की वीडियो यूज हो रही है और नीचे का ऑडियो अब देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लर भी हो चुका है, मतलब थोड़ा सा फेड आउट हो चुका है। तो इस तरह आप ऑडियो वीडियो को डाल सकते हैं एक साथ, और इसके बाद बस हो गया, आप तो एंड में आ चुके हैं। और अगर आप कोई इंट्रो विंट्रो आपका डालना चाहते हैं बीच में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए या फिर आप शुरू में ही यहाँ पे जा सकते हैं, ओपन फाइल एंड देन आपके फोल्डर में गए, इंट्रो को ले लिया, ठीक है? तो इंट्रो आपका आ गया, तो आपका इंट्रो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको इसको थोड़ा सा इस तरफ खींचना है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच लेता हूँ और मेरी ऑडियो को भी मैं इसके हिसाब से खींच लेता हूँ, ठीक है? या तो अभी ये दोनों इक्वल हो गई, और मैं जाता हूँ अपने प्लेलिस्ट वाले फाइल पे। ओके, तो ये जो फाइल है कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसको मैंने ड्रैग करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया। ऑल राइट, तो मेरी अभी जो इंट्रो वाली क्लिप थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा और हटा देता हूँ, यानी कि 6 सेकेंड का जो मैं इंट्रो है वो यहाँ पे रहना चाहिए, तो मैं इसको इसके नीचे रखूँगा और इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्टक का इशू हो सकता है, बट आपको थोड़ी सी पेशेंस भी दिखानी होगी क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो अभी मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली दिखता कैसे है। तो ये आप देख सकते हैं पहले मेरा इंट्रो प्ले हो रहा है, तो यू आर वॉचिंग इज इट एक्चुअली वगैरह वगैरह। तो उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप गाइस मेरा वीडियो स्टार्ट, वेलकम बैक। तो इस तरह आप कोई भी अगर ऑडियो वीडियो क्लिप यहाँ पे बीच में डाल सकते हैं, एंड में, और या कहीं पे भी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं काम। तो ये सब करने के बाद आपको एक ही काम करना है, अभी इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो फाइल पे गए, एक्सपोर्ट वीडियो पे गए, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ये डिफ़ॉल्ट वाला, मतलब डिफ़ॉल्ट क्रिएट्स H.264 AAC MP4 फाइल विच इज़ द सूटेबल फॉर मोस्ट यूजर्स एंड पर्पज। सो ये जो डिफ़ॉल्ट है यही अच्छा वाला फाइल है, तो आपको यही पे और इसी को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर दीजिए और ये आपको डेस्टिनेशन फोल्डर पूछेगा और इसको कुछ नाम दे दीजिए आप, मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कंप्लीट वीडियो एडिटिंग, ठीक है? तो ये जो है इसको नाम दे दिया और मैंने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है और
यानी कि मेरी वीडियो बहुत ही लंबी है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बट डोंट वरी, आपको जस्ट वेट करना होगा। तो अभी ये 1% हो गया है, तो इस तरह यही कुछ काम है गाइस। तो जब आप इसका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वो कुछ नहीं, आपको उसको उठाना है और सीधा आप यूट्यूब पे डंप कर देना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर जो भी है इसमें सब कुछ फ्री है, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। और सबके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी और यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब चैनल को कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे जैसे ही हमारे दोस्तों के लिए ये वीडियो अच्छी हो सकती है, इसलिए आपके लाइक से इस वीडियो को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।